बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपके खिदमत में पाकिस्तान वेदर अपडेट के साथ। अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मौसम की वीडियो की नोटिफिकेशन से दोस्तों आप रोज़ाना बाखबर रह सके। कराची वालों तैयार, शदीद किस्म की सर्दी की लहर और तूफानी हवाएं चलने को तैयार और आखिरकार कराची सिंध में बारिशों की उम्मीद, लेकिन कब से? आज की वीडियो में इसके बारे में आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं तो शहर कायद में गुज़िश्ता रात और आज दिन के दौरान मौसम की क्या सूरत हाल रही, इस रिपोर्ट पर एक नज़र। इस दौरान गुज़िश्ता रात भी कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सर्दी का राज रहा। पारा सिर्फ 5 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हुई, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खास करके शुमाली इलाकों में मज़ीद शदीद सर्दी पड़ी, जबकि बाकी हिस्सों में भी शदीद सर्दी देखने को मिली। इस दौरान आज सुबह और दिन के दौरान भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में यकबस्ता हवाएं चलीं, जबकि आज दिन के दौरान शहर में कुछ सर्दी की शिद्दत में कमी महसूस की गई और साथ ही इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुश्क और सर्द हवाएं शुमाल से कम रफ्तार से चल रही हैं। जिक्र करते हैं सिंध के दीगर कई शहरों की, तो इस दौरान हैदराबाद, सखर, लारकाना, शहीद बेनज़ीराबाद, दादू, मीरपुर खास और थरपारकर के भी मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात को शदीद सर्दी का राज रहा और इन शहरों में भी कम रफ्तार से यकबस्ता हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, इस दौरान हालिया जो मुल्क के बालई, शुमाली और मशरकी हिस्सों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश, यालाबारी और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इन बारिशों के बाद एक और शदीद किस्म की सर्दी की लहर एक बार फिर मुल्क को मुतासर करने को तैयार है, जिसके बाद एक बार फिर कराची समेत सिंध के भी मुख्तलिफ शहरों में ये सर्दी की लहर आने को तैयार है, जिसकी वजह से सुबह में मज़ीद सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने की तवक्को है। बात की जाए तो बारिशों की, तो एक बात याद रहे कि हाल फिलहाल आइंदा 10 दिनों तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों और सिंध के दीगर शहरों में कोई खातरखा बारिश का इम्कान नहीं है। इस दौरान इंशाल्लाह 15 जनवरी के बाद मगरबी हवाओं की शिद्दत में इजाफा देखने को मिलेगी, जिसके बाद ये हवाएं कराची से लेकर कश्मीर तक बारिशों का सबब बनेंगे। इस दौरान इंशाल्लाह जिसके बाद कराची समेत सिंध में भी ये हवाएं दाखिल होकर गरज चमक के साथ बारिश का बायस बनेंगे। कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों में इंशाल्लाह दरमियानी सी तेज़ बारिश होने की तवक्को है और साथ ही सुबह सिंध के भी दीगर शहरों में गरज चमक के साथ कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ बारिश होने के इम्कान मौजूद रहेंगे। याद रहे कि ये अभी तक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट भी है, इसमें अभी बहुत सारी तब्दीलियां भी मुमकिन है। मज़ीद इसकी अपडेट्स हम आपको रोज़ाना रिपोर्ट में शेयर करते रहेंगे, मज़ीद वही होगा जो अल्लाह ताला चाहेगा। मज़ीद दुआ करते रहो कि पाकिस्तान में रहमत की और अच्छी बारिशें होती रहें। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, बारिश में मुतलक रोज़ाना मौसम की अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पाक वेदर मीट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।